मेरा फॉर्म में सिग्नेचर का प्रॉब्लम आ गया कि मैं दोनों कॉलम में हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड किया था, जबकि प्रिंट होके निकला तो दोनों में हिंदी हो चुका। मेरा ना मतलब सर्वर इशू के वजह से सब्जेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, 9-10 में सब्जेक्ट ही नहीं शो कर रहा है। डीएलएड के सर्टिफिकेट के जगह सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर में मौजूद हैं। एक तरफ जहां जो शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होनी है उसकी तिथि आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे अभ्यर्थी बीपीएससी के बाहर आए हुए हैं जिनके फॉर्म में कुछ त्रुटियां हुई हैं। आखिरकार किस तरीके की त्रुटियां हैं, क्या कुछ इन अभ्यर्थियों की मांग है, क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ जहां परीक्षा की तिथि आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम अभ्यर्थी यहां पर अपने फॉर्म की त्रुटियों को लेकर आए हुए इन तमाम अभ्यर्थियों से जानते हैं किस तरीके का दिक्कत आप लोगों को हो रहा है। क्या सर, सर्वर इशू के कारण हम लोग का 9-10 का जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला फॉर्म था वो फिल ही नहीं हुआ, और उसके बदले दूसरा फॉर्म हो गया कल्याण विभाग का, जो कि भरने से कोई फायदा ही नहीं है। उसमें मात्र 267 सीट है और इधर 18,000 सीट था, तो हम लोग मेन एलिजिबल थे 9-10 का ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोस्ट के लिए, वो हुआ ही नहीं है हम लोग का। तो मतलब अगर एडमिट मतलब जाके एग्जाम भी दे तो हम लोग का कोई फायदा नहीं होगा। ये जो फॉर्म में त्रुटियां हुई है कैसे हुई है, मतलब आप लोग की गलती थी या फिर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम? नहीं, सिस्टम में इशू था, अगर वो क्लिक करते थे तो वो हट जाता था, वो क्लिक करते थे वो हट जाता था, तो हमको लगा ये दोनों का हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? तो बस एक बार एडिट का ऑप्शन दे दे तो हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम अकेले, बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये तो सर्वर एरर है और स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ एरर आते ही रह रहा है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर, मेरा फॉर्म में सिग्नेचर का प्रॉब्लम आ गया कि मैं दोनों कॉलम में हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड किया था, जबकि प्रिंट होके निकला तो दोनों में हिंदी हो चुका है। इस तरह का प्रॉब्लम हमको एग्जामिनेशन हॉल में भी इससे दिक्कत होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत होगा। क्या चाहते हैं आप? चाहते कि एक बार एडिट का मौका दे दे, उसके बाद ये सुधारा जा सकता है। आपका क्या समस्या है? मेरा ना मतलब सर्वर इशू के वजह से सब्जेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, 9-10 में सब्जेक्ट ही नहीं शो कर रहा है। तो सर एक बार एडिट का ऑप्शन देते थे ना तो सब्जेक्ट अपना ठीक कर लेते, एडिट करके अपना जो सब्जेक्ट है मेरा वो हम कर लेते। इससे पहले आप लोग की किसी से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इस बारे? नहीं नहीं, किसी से बात नहीं हुआ है। क्या दिक्कत है आपको? सर, मैं सुपौल जिला से आया हूँ। मेरा समस्या ये है कि डीएलएड के सर्टिफिकेट के जगह सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। तो अभी जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पूछताछ में पूछे तो बोला क्या कि मेल कर देने के लिए। तो मैं ये अतुल सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार पोर्टल को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए जिससे कि हम लोग का समाधान हो सके। देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके जो फॉर्म में कुछ त्रुटियाँ आई हैं, आपकी किस तरीके की दिक्कत है फॉर्म में? सर, मेरा नाम प्रीति कुमारी हुआ और मैं नालंदा जिला की रहने वाली हूँ, और मेरा जब फॉर्म सबमिट कर रही थी तो इंग्लिश में मेरा सिग्नेचर सही है और हिंदी में मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी कि मेरा सिग्नेचर हिंदी में हम सही डाले हैं, लेकिन जब प्रिंट आउट होकर के निकलता तो वहाँ पर मेरे जगह किसी और सीता कुमारी के नाम से सिग्नेचर आ गया है। क्या लग रहा है कि ये जो भी त्रुटि आप लोग के फॉर्म में आ रही है सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है? सिस्टम की वजह से आ रही है सर। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब अतुल सर से मैं ही निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमें कम से कम एक दिन का एडिट का मौका दें। अच्छा, ये बताइए कि अगर जो फॉर्म में जिस तरीके की त्रुटियां तमाम अभ्यर्थियों में है, अगर वो सही नहीं हो पाता है तो आगे क्या दिक्कत होगा? बहुत समस्याएं होंगी सर, आगे एग्जाम से भी ये हम लोग को वंचित कर सकते हैं। और बाय द वे, एग्जाम अगर हम दे भी लेते हैं तो आगे चल के जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें ये हमें बाहर कर सकते हैं कि आपने ऐसे ऐसे किया, जबकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पूरा ये सर्वर का इशू है। मैंने सिग्नेचर की जगह में हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह पे किया था, लेकिन जब फाइनल जी और है मेरा ही सर, लेकिन ये दोनों मतलब हिंदी की जगह हिंदी होना मैंने किया था, लेकिन जब सबमिट करने से पहले मैंने चेक भी किया था। और जब सर प्रीति कुमारी की जगह यहाँ सीता कुमारी, देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं तमाम अभ्यर्थियों के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जो सिग्नेचर का जो इशू है, जो अभ्यर्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड किए थे, लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं सबका जो सिग्नेचर है किसी का इंग्लिश में हो चुका है, किसी का हिंदी में हो चुका है, और इसी तरीके से तमाम अभ्यर्थियों के सिग्नेचर, आपका भी वही दिक्कत? फोटो ब्लॉक हो गई है सर। क्या फोटो अपलोड किया था? सर, मैंने अपनी फोटो क्लिक करके, लेकिन यहाँ पर फोटो की जगह ऐसे ब्लैक आ गया है। तो आप लोगों ने क्या अभी तक किसी से मुलाकात की है, किसी से बातचीत हुई है? सर, अभी तो कोई चीज़ बातचीत नहीं है, मुलाकात बात करने ही कहाँ दे रहे हैं, कोई अंदर को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, अंदर बिल्कुल जाने के लिए बिल्कुल नहीं, अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सब जो है ये बाद में देखा जाएगा, ये वो बस इधर उधर करके बस बाद में देखा जाएगा। तो परीक्षा की तो तिथि भी आ चुकी है, क्या लग रहा है कि बाद में? सर बिल्कुल बस ये कुल मिला के टाल मटोल कर रहे हैं सर, सुन नहीं रहे हैं किसी भी बात को लेकर। बस ये रिक्वेस्ट है कि एक बार ये करेक्शन का मौका दे दें, किसी भी तरीके एक दिन का एडिट का मौका दे दें सर।
किसी भी तरीके, नहीं तो अगर ये एग्ज़ाम डेट चली गई तो फिर कुछ हम लोग का हो नहीं पाएगा। और इतने सालों से इस एग्ज़ाम के लिए इतना इंतज़ार किए हैं हम लोग, और अब इस तरीके का चीज़ें हैं कि पढ़ने के लिए अब समय है तो अब हम लोग ये सब चीज़ें करने के लिए निकले हैं। और जबकि क्या दिक्कत है फॉर्म में? हरे कृष्ण, हमारा इसको दिक्कत नहीं बोलेंगे, एडिट का ऑप्शन छोटा सा है कि सब्जेक्ट फॉर्म में त्रुटि तो हुई है ना, सबके जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके फॉर्म में कुछ ना कुछ त्रुटि आई है। जी जी जी, तो त्रुटि बहुत ही स्मॉल स्केल का है, जिसके लिए हम लोग कल भी अनुरोध किए हैं, आज भी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर से। हमारी मांग यही है कि कुछ समय के लिए, वो भी मुश्किल से ईमानदारी से कहें तो 15 से 20 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए। अभ्यर्थी हैं जिनके फॉर्म में इस तरीके की, लगभग हज़ारों की संख्या में जो कलायत है, जिन्हें ये कहकर यहाँ से हटा दिया गया कि आप जो जाइए आपका काम कर दिया गया है, ऊपर पेपर दे दिया गया है, परमिशन भी मिल जाएगा, कल तक आप जा ही सकते हैं। तो लगभग 99% छात्र जा चुके हैं, पर हम लोग उम्मीद में हैं कि अभी तक कोई परमिशन मिली नहीं है हमें लीगल तौर पे, तो हम चाहते हैं कि एक छोटी सी नोटिस ही सही बीपीएससी के पोर्टल पर डाल दिया जाए, ताकि सब लोग सभी छात्र जान सकें और उसे हम अपडेट कर पाएँ। हमारी मांग छोटी सी है कृपया हमें एडिट का ऑप्शन दिया जाए, जो कि फॉर एग्जांपल किसी छात्र के पिताजी का नाम सोहन लाल है तो बाय मिस्टेक साइबर कैफे ने मोहन लाल कर दिया है, तो उसे वो सोहन लाल करके अपडेट करना चाहते हैं। इसमें हमें नहीं लगता कि हम कुछ किसी तरह का नुकसान या किसी तरह का कोई गंभीर मांग कर रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, फॉर्म फिलअप में अब सबका जो किसी के सिग्नेचर में दिक्कत है, किसी के फोटो में दिक्कत है, ऐसे ही तमाम अभ्यर्थियों के जो फॉर्म में है वो जो है दिक्कत। देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी ऑफिस के बाहर में मौजूद हैं और वो जो है अधिकारी से मुलाकात करने के लिए है, ताकि उनको एक मौका मिल जाए किसी तरीके से, ताकि फॉर्म को एडिट किया जा सके और जो भी फॉर्म में जो त्रुटि है उन त्रुटियों को ये दूर कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके की जो दिक्कत है वो इनको आगे चल के ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।